आउपादे आगकु गला भारत जापान वैदेशिक संपर्क। आगामी 5 वर्ष पाई भारत रे जापान करिबो बड़ निवेश। 14तम भारत जापान शिखर सम्मेलनी रे प्रधानमंत्री को सूचना। दुईदिनिया भारत गस्तरे आसी बड़ घोषणा करिसेंती जापान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। नुआ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस रे अनुष्ठित 14तम भारत जापान शिखर सम्मेलनी रे एही घोषणा करा जायछि। आगामी 5 वर्ष रे जापान भारत रे 42 अरब डॉलर अर्थात 3,20,000 कोटी टंका निवेश करिवो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना देइछंती। एही सम्मेलनी रे दुई देशर प्रधानमंत्री को मध्ये रे भेटघाट होइतबा बेले विभिन्न प्रसंग रे आलोचना करा जायछि। भारत जापान मध्ये रे आर्थिक ओ प्रजुक्तिगत सहायता वृद्धि नै दुई नेता आलोचना करिसेंती। साइबर सुरक्षा क्षमता विकाश सह सूचना आदान प्रदान पई उभयक मध्यरे सहमति प्रकाश पाइछि। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। दुई देश मध्य अनुष्ठित होइतिबा ए शिखर सम्मेलनी रे जापान पीएम फुमियो किशिदा भारतर पुरुणा बंधु बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंती। जापान भारतर प्रमुख निवेशक राष्ट्र। देशरे हाई स्पीड रेल करिडर प्रोजेक्ट रे भारत एवं जापान वन टीम वन प्रोजेक्ट रे काम करथुबा से कहिसेंती। सुरक्षित एवं स्थिर ऊर्जा जोगाणर गुरुत्व को दुई देश बुझिसेंती। यह विकास एवं जलवायु परिवर्तनर मुकाबला करिवारे सहायक हेबो बोली मिलित प्रेस वार्ता रे उभय नेता कहिसेंती। फ्रेंड्स, भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है, उत्साह है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। अन्यपटे रूस यूक्रेन युद्ध नहीं मध्य दुई नेता मध्ये आलोचना होइतिबा जणा पड़िछि। वर्तमान पर्यंत रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं भारत निरपेक्षता अवलंबन करि आसुथबा बेले जापान प्रधानमंत्री मोदी सह एने कथा होइतिबा सूचना मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।